इस वक्त हम बंगर की ओर जा रहे हैं। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। हम लगभग 11 बजे के करीब बंगर जो जहां आपको हम नज़ारा कराएंगे खूबसूरत वादी का, वहां के झरनों का, वहां के ग्लेशियरों का, वहां के पहाड़ों का, वहां के मैदानों का। मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से ग्लेशियर पर चढ़ रहे हैं लोग। हम इस वक्त बंगर में पहुँचे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ के लोग जो हैं लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। टूरिस्ट हिसाब से अगर देखा जाए किस तरीके से यहाँ पर एक चट्टान जैसी ग्लेशियर है। यहाँ के मकामी लोगों ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया, क्योंकि आए रोज़ ये बंगर पे जाते हैं। 4 महीने 5 महीने ये यहाँ पर रहते हैं, फिर कटअप होता है। क्योंकि जब तक न यहाँ पे रोड आएगी सरकार की नज़रों से ये ओझल है। यहाँ से नहीं आजो रास्ता जाए। ओ चाचा की तू आ रास्ता। कितना वसी मैदान है ये बंगर का एरिया है। और पहलगाम और गुलमर्ग से भी ज़्यादा खूबसूरत वसी एक इलाका है। टूरिस्ट को यहाँ आना चाहिए, इन इलाकों को देखना चाहिए कि यहाँ की खूबसूरती और भी कितनी इस वादी को खूबसूरत करती है। यहाँ के जंगलात, यहाँ के दीदार, यहाँ के दरिया, यहाँ के जो जितने भी पहाड़ में दिखा रहा हूँ ग्लेशियर से लदी हुई है। जगह जगह पर हमने ग्लेशियर देखे, ग्लेशियरों पर चढ़कर हम
पहाड़ों से गुज़रते हुए नदी नालों का पानी का चीरता, दरियाई चिनाब का बहता हुआ पानी भी हमने देखा। जो यहाँ से ये पहाड़ी आप देख रहे हैं, वहाँ हम कल पहुँचे थे, 13,000 बुलंदी पर हम पहुँचे थे कल। हेलो, हाँ कैसे छो, क्या छू कर सर, ये जो सामने नजर आता है गांव, तो ये वो ये श्रोती गांव आता है, इसके आगे जो सामने है तो वो गोरो आता है, गोरो के आगे पड़ता है हमें ढक्की। ढक्की में सर हमें लगता है कोई 2-2.5 घंटे सफर करने में। ढक्की से आगे सर हम रंगाड़ी पहुंचते हैं, रंगाड़ी से आगे फिर आया मथलेली, फिर आए ऊपर सामने डेवट, जहाँ हमें जाना है वहाँ बहुत खूबसूरत जगह है सर। उधर से पीछे आया बंगर सर, ये बंगर के धार नजर आते हैं ऊपर से, पीछे से भी और आगे से भी, बहुत खूबसूरती यहाँ बंगर में है। और हमारी बदकिस्मती है, अगर रोड यहाँ होता तो हम भी किसी काबिल होते सर। ये सर मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ। छोटे की ना तेरा असलम की चले मंगर जो पाते क्या नाते है नाम अब्दुल लतीफ। कैदर है जनाब, इधर है किद्रू। किद्रू बंगर से पीछे किद्रू जा रहे हैं सर, पाउडर पाउडर में पड़ता है हमारी धार है किद्रू पाउडर। जी जी, पाउडर से ऊपर पड़ता है ना किद्रू, हमारी धार है वहाँ। अच्छा, माल उधर ही हो जाता है। अच्छा, पहले पहुँचे आप जा रहे हैं आज, फिर नजर चढ़ दे देंगे माल को। तो ये घर में रखी थी, इसकी माँ ऊपर दी, अब इसको भी पहुँचाएंगे। अब आज नहीं हम पहुँचेंगे, कल पहुँचेंगे सर। दो दिन का रास्ता ये थोड़ा ऊपर से धार में बर्फ होती है ना। माई की ना तेरा की ना तेरा Thank you.
फूल ही फूल इस मैदान में है, मैं दिखा रहा हूँ फूल ही फूल, रंग बिरंगी फूल। और यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि इसमें सतरंग के फूल होते हैं और काफ़ी जड़ी बूटियाँ भी होती हैं, लेकिन सरकार की नज़रों से ओझल। ये देखो आप, हम दिखा रहे हैं गुजर कोठे, जो गुजर 3 महीने के लिए डोकों पर आते हैं, किस तरीके से ये अपनी खाना बदोश ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। डोकों में इनकी और ही अजीब तरीन ज़िंदगी होती है, क्योंकि अल्लाह के कुदरती नज़ारे वही फरमाता है सूरह रहमान में, फबी अय्या आला रब्बी कुमा तुकज़िबान। ए लोगो, अल्लाह के नामतों को किन किन नामतों को जुटलाओगे? वही ये नामते हैं जो हम दिखा रहे हैं कि अल्लाह ने इन पहाड़ों पे जो है किस तरीके से अपनी कुदरत से नवाजा है। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ के मकामी बाशिंदे भी हैं जो इन डोकों पर आते हैं, 3 महीने का ये ज़िंदगी सफ़र होते हैं। हमारा काफ़िला जो है बिल्कुल बंगर के ओर जा रहा है। सबका MLA GM सरूड़ी इस वक्त डोक पे जाने रवानदवा है। रास्ते में मकामी लोगों से जुड़ रहे हैं, मकामी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये बातचीत कर रहे हैं, लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। पहाड़ों पे डोकों पे किस तरीके से खुले मैदान में माल मवेशी है, क्योंकि यहाँ के बकरवान जो हैं वो इन पहाड़ों का रुख करते हैं, डोकों का रुख करते हैं। 3 महीने जो गर्मियों के होते हैं और ये अपने डोकों के, ताकि ज़मींदार जो ज़मींदारी या बाल माल मवेशी लेकर पहाड़ों पर जाते हैं वो अपनी ज़िंदगी यहाँ पर बसर करते हैं। अल्लाह के नियामतों को ये देख रहे हैं, अल्लाह ताला ने किन किन नामतों को रखा और किन किन नामतों को ये जुटलाएंगे। मैं दिखा रहा हूँ खुला मैदान, खुला मैदान में अल्लाह के नामतों का नज़ारा। सुधी वाती ठीक है, बिल्कुल सुधी हुई, सीधा लास्ट एंड पीछे, पीछे से थोड़ा इधर जाना है, इधर से पीछे
मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त हम बंगर में चल रहे हैं। बंगर कम से कम अभी 3 घंटे का फासला है। मैं दिखा रहा हूँ ये जो पहाड़ी है, चट्टान बर्फ़ से लिपटी हुई है, वहीं से क्रॉस करके अठौली सामने नज़र आएगा। लेकिन हमने इस चढ़ाई पे चढ़ के दिखाना है सारा जो मंज़र हम दिखाएंगे। ये पूरा मैदान हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको। ये है सर, सर ये नहीं है सर। आप थोड़ा जहवट की तरफ नजर मारो, सब सीनरी इसको उठा लेने वो सर उधर वाली की लाना अभी बाहर। सुचा गोड़ गोड़ की लड़की है क्या सर? पिछली डबरी सर जिस जहाँ हम खड़े हैं यहाँ सर बोलते हैं पिछली डबरी। अभी हम यहाँ से पीछे कोई आधे घंटे का रास्ता है जहाँ आपने जाना है, जहाँ की बर्फ़ के तूते हैं सर जो जमे हुए हैं सर, जो सालों से जमे हुए हैं, वहाँ हमने जाना है, उनको भी देखना है थोड़ा सर। तो उसके बाद वहाँ से वापस आकर था हम फिर रुख करेंगे यहाँ सर, डेहट का रुख करेंगे हम उसके बाद कल। ये जो है ना ये इसके नीचे से बर्फ है। बड़ा खुला मैदान है ये दिखा रहे हैं हम, पिछली द्रबड़ी के नाम से जाना जाता है। कितना खूबसूरत इलाका है लेकिन सरकार की नज़र से ओझल। अगर देखा जाए यहाँ रंग बिरंगी फूल हैं जो मुख्तलिफ कलर के हैं, और इस वक्त हम दिखा रहे हैं वो पूरा इलाका पहाड़ी दिखा रहे हैं बर्फ़ से लिपटी हुई। इस पहाड़ी से पीछे जब रुख करते हैं तो नीचे आता, नीचे की तरफ जब हम चलेंगे तो पाडर गुलाबगढ़ अठौली पहुंचेंगे, और वहाँ यहाँ से लोग वहाँ माल लेकर जाते हैं या वहाँ के लोग यहाँ माल लेकर आते हैं। बैर बकरियाँ खासकर माल मवेशी लेकर यहाँ बकरवान आते हैं। मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से हम पूरे मैदान का व्यू दिखा रहे हैं आपको, हम भी चल रहे हैं और आपको भी नज़ारा दिखा रहे हैं। बहती हुई नदी, अल्लाह की कुदरत और भी इस वादी को खूबसूरत करती है।
सदका वास्ते चले गए मसूदी ने दे छड़े पेट सदका वास्ते ना पीछे भी है पीछे हां इतनी मौलवी अपनी तो भी दो पेट इसमें ज्यादा तादाद बजवा का लोकां ये क्षेत्र रखे ना सुरूड गंग भोंज पाखरा गंग ये निकल हम भी पूरा रास्ता मतलब पूरा रास्ता नाले में उतरना है बस बोले नीचे चलेंगे चलो वहाँ तक तो जाएंगे बाद में हम दो मिनट दे देंगे नीचे तक बोले वहाँ से आवाज़ मार के देखो और दीदारन अपार मैदान ही मैदान टूरिज्म मजा आएगा तो बर्फ को जाएंगे Yeah.
बर्फ़ की यहाँ पे ग्लेशियर है, नाला है, बर्फ़ तोड़ी जा रही है ताकि पानी भी है, काफ़ी ठंडा पानी है, कुदरती चश्मे हैं। मैं दिखा रहा हूँ उस पहाड़ी पे जाना है जहाँ धुंध है, एक कम से कम एक घंटे का भी सफ़र है, हम चल रहे हैं, काफ़ी थकान भी हो चुकी है और हमने गवर्नमेंट को दिखाना है कि टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए ताकि हमारे जो ये टूरिज़्म स्पॉट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन रोड की वजह से ये बिल्कुल बेकार।